thank you नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बुशार गेमिंग में मैं हूं वरुण तो आ गया हूं एक नई वीडियो को लेकर तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के तो लॉबी में आ चुके हैं नाइन्टी नाइन बंदे जो कि एक बंदा हमारा रास्ते में रह चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है तो चलो बढ़ते हैं गेम की तरफ बहुत अच्छी गेम होने वाली है बहुत मज़ा भी आने वाला है इसमें लेट्स गो तो यहाँ पर उतर चुका है तीन स्क्वाड एक जो है सुनील राजपूत का है एक आईजी का है और आई आई के दो बंदे उतरे हैं तो बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है यहाँ पर छोटी सी जगह पर और यहाँ आईजी की टीम तो घरों में उतर चुकी है लेकिन यहाँ सुनील राजपूत की टीम ने गलती कर दिया अगर वो गन फाइट लेती यहाँ पर तो शायद बहुत मज़ा आता कोई नहीं सुनील राजपूत की टीम अलग अलग हो चुकी थी लेकिन यहाँ पर आईएनसी एन वैनम ने सहदेव को नौकर दिया और आईजी जी ओपी ने यहाँ पर मंजीत पर रश कर दिया और मंजीत को फिनिश कर दिया उन्होंने और वहाँ पर सुनील राजपूत और एम टू जोकर भी हैं और देखते हैं क्या करते हैं सुनील राजपूत भाई 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 गए और यहाँ पर देखते हैं आई जी जैरी ओपी क्या रश करते हैं जी बिल्कुल यहाँ पर रश करने की तैयारी कर दिया और यहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल लिया है तो देखते हैं क्या करते हैं आई जी जैरी बहुत अच्छा खेल आईजी आई जी एम सिक्सटीन है एम सिक्सटीन क्लच देखते हैं आज आई जी ओपी का तो आई जी ओपी बैठ चुके हैं गाड़ी में आई शर्ट को यहाँ पर फिनिश कर दिया है और आई जी ओपी चले गए हैं देखते हैं क्या करते हैं भाई गाड़ी चढ़ाने की कोशिश थी लेकिन नहीं भाई यहाँ पर एम टू फोर जोकर के पास एम फोर थी और यहाँ पेल दिया उनको बहुत अच्छा खेले यहाँ पर एम टू फोर जोकर और यहाँ पर साइलेंट किलर को नॉक कर दिया है आज इनकी टीम अलग अलग हो चुकी है लेकिन यहाँ पर इनकी टीम पर रश हो चुका है रेड डेविल की टीम का तो देखते हैं यहाँ पर पापा ओपी भी नॉक है साइलेंट किलर भी नॉक है तो यहाँ पर डार्क कैंपर सामने और डार्क कैंपर को कर दिया फोरक्स सुप्लेक्स ने यहाँ पर नॉक कर दिया अत्री भाई को तो देखते हैं यू प्लस क्या अपनी टीम को बचा पाएंगे और यहाँ पर इनके पीछे कूद चुका है लेकिन उन्होंने देखा नहीं और फिनिश खत्म ऑलरेडी हो चुकी है टीम भाई ये क्या था मेरे देखते तक उसने फिनिश कर दिया बहुत अच्छा खेला उसने लेकिन यहाँ पर चौहान की टीम की फाइट चल रही है और इस फाइट को देखकर भाई आपकी हंसी निकल जाएगी क्योंकि इस साइड में ओ भाई ये देखो ये एक आया दूसरा नॉक तीसरा आया और ये फिर से नॉक अभी फिर से आएगा और ये फिर से नॉक <laughs> ओ भाई ऑल <all> डेड <laughs> हमारे यहां पहुंच तक यहां पर क्रेजी शुभम ने नॉक कर दिया था और आई रोमियो ने फिनिश भी कर दिया आई एन सी वाइपर को लेकिन यहाँ पर सौरभ देखते हैं क्या कहते है, हैं आई डेविल सामने खड़े हैं और आई एन सी डेवल क्या गलती करेंगे और यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी उनके सामने आ गया और आई एन सी डेवल को नौकर दिया यहाँ पर सौरभ ने और रोमियो ने यहाँ पर रश भी कर दिया इन पर तो देखते हैं सौरभ रोमियो और आई एन सी डेवल फिनिश सौरभ को पता नहीं कौन सा बूथ दिखाया था जब सौरभ यहाँ पर फायरिंग करने शुरू हो गए यहाँ पर जो फाइट थी आज यासनाया में थी सबसे बेस्ट फाइट क्योंकि यहाँ पर पाँच छः टीम्स उतर चुकी थी लेकिन यहाँ पर फाइट इतनी अच्छी नहीं हुई और यहाँ पर आई एन सी पाइजन बचे हुए हैं लेकिन आई एन सी वैन वैनम नॉक पड़े हुए हैं यहाँ पर एक एक कैच भी बचे हैं सुनील राजपूत और एम टू फोर जोकर लेकिन सुनील राजपूत ने यहाँ पर एम टू फोर जोकर को रिवाइव दे दिया आई एन सी पॉइजन देखते हैं क्या करते हैं रश कर पाएंगे या नहीं रिन किंग ने यहाँ पर जेके आई एन डी को नॉक कर दिया और यहाँ पर आई एन सी पॉइजन पॉइन पौ रश कर दिया और एम टू फोर जोकर नॉक और आईएनसी एन सी पाइसन पिट चुके हैं क्योंकि इनको पता नहीं है उन्होंने फ्लैंक कर दिया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया या सुना है कि फाइट बहुत बड़ी फाइट है लेकिन यहाँ पर इतनी तगड़ी फाइट हुई नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ी तगड़ी टीम्स आई थी लेकिन फाइट इतनी अच्छी नहीं हुई है और यहाँ पर बापू ने रश कर दिया है संस्कारी बॉय की टीम पर तो देखते हैं क्या रश सफल हो पाएगा बापू जी का लेकिन यहाँ पर रावत और दादू बोलते सामने छत पर खड़े हैं और यहाँ पर बापू जी का नेड़ आ चुका है लेकिन बच गए रावत बहुत अच्छा नेट था बापू जी का और इनका ड्रॉप भी आ चुका है और यहाँ पर दादू बोलते ना आई जी स्पाइक को नॉक कर दिया और एक और नेट करने की कोशिश है और यहाँ पर दादू बोलते पर नेड़ आ चुका है ओ भाई नॉक बहुत अच्छा नेट था यहाँ पर लेकिन रावत ने यहाँ पर डार्क वजीर को नौ कर दिया बापू जी ने यहाँ पर रश कर दिया तो देखते हैं इनका रश सफल हो पाएगा या नहीं लेकिन यहाँ पर आईसी ठाकुर ने क्या पकड़ा है बापू जी को और बहुत अच्छे तरीके से और क्या फिनिश कर पाएंगे जी बिल्कुल फिनिश कर दिया उन्होंने और यहाँ पर यमलोक यह बात नहीं यहाँ पर आर गनवाइट को को कर दिया और बहुत अच्छी फाइट हो रही है यहाँ पर भी और बापू जी फिनिश हो चुके हैं आई ठाकुर को नॉक कर दिया आई जी स्पाइक ओ रिवाइव दे रहे हैं डार्क अरोज को लेकिन यहाँ पर फिनिश कर दिया वुल्फ ने और ये आई जी स्पाइक ओ ने गलती कर दी यहाँ पर पीछे एक और टीम बैठी और फिनिश के टी रोहित ने खत्म कर दिया उनको लेकिन यहाँ पर पीटीपी की टीम के सामने है डेवेस्टर की टीम जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं चिरकुट ओपी और डेवेस्टर और मेगा वैनम और वरुण थापा हैं और यहाँ इनकी टीम में आज यमलोक ना था यमलोक पा था हैं वैसे यमलोक ना था लेकिन नहीं पा हैं और डेवस्ट ने यहाँ पर खुद पर ही नेट कर दिया भाई क्या करते हो यार यहाँ पर रश करने का टाइम है और आप नेट से फूट रहे हो इतनी तारीफ करी है मैंने तुम्हारी और यहाँ पर चिरकू टोपी ने बहुत अच्छा खेला और पंकज ओपी को नॉक कर दिया वन एट सेवन के उन्होंने को नॉक कर दिया जानू ओपी ने यहाँ पर नॉ कर दिया है चिरकुट ओपी को भी और यहाँ पर बचे वरुण थापा और मेगा मेगावैनम तो देखते हैं क्या करते हैं मेगा मेगावैनम और वरुण थापा लेकिन डेवेस्टर को शायद रिवाइव नहीं मिल सकेगा लेकिन नहीं मिल चुका है रिवाइव उनको मेगा मेगावैनम ने रिवाइव दे दिया उनको और यहाँ पर भी जानू ओपी ने फ्लैंग कर दिया तो देखते हैं क्या करते हैं तो पिटू भी जानू ओपी और यहाँ पर डेवेस्टर सामने है आया मलोकपाथ और यहाँ पर मेगा मेगावैनम को नॉक कर दिया डीके ब्लास्टर ने और फिनिश भी कर दिया उनको यहाँ बचे हैं डेवेस्टर और वरुण थापा तो देखते हैं क्या टू बी फोर कर पाएंगे वो तो यहाँ पर वरुण थापा कूद तो बहुत रहे हैं क्या कुछ कमाल करके दिखाएंगे वरुण थापा लेकिन यहाँ पर डेवेस्टर ने नॉक कर दिया पी टू जानू पी को और डेवेस्टर एक एच पी है इनको हिल करना चाहिए पहले और उसके बाद फाइट लेनी चाहिए क्या ये वन क्या पता शायद टू बी फोर कर लें तो बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने हेल्थ लगा ली है और ये फुल्ली रेडी भाई फर्स्ट एड नहीं है शायद इनके पास लेकिन यहाँ पर पीटू टी पंकज ओपी जानू को रिवाइव देने जा रहे हैं और डेवेस्टर एक एच पी हैं और वरुण थापक वरुण थापक क्या है हील देंगे उनको जी नहीं दी उन्होंने हील उनको लेकिन यहाँ पर रावत जोन के बाहर नॉक हो चुके हैं और डेवेस्टर एक एच पी हैं भाई हील तो करना पड़ेगा विटिया एक ने आई एन सी ड्रैगन को फिनिश कर दिया है जो कि आई एन सी की टीम आज बहुत अलग अलग खेली थी एक स्क्वाड में तो नहीं आ पाई लेकिन दो बंदे कहीं उतर रहे थे दो बंदे कहीं उतर रहे थे तो यमुला के बाद सामने यहाँ पर आइगल गरोडा ने संस्कारी भाई को नौ कर दिया और रोल नंबर ने शुभम को नौ कर दिया सुमित ने रोल नंबर को नौ कर दिया यहाँ पर जल्दी फाइट फिनिश नहीं होती तो हमें वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा यमुलाक बात तो वहाँ पर सामने खड़े और को हुआ कर दिया और वरुण थापा यहाँ पर जाने की कोशिश कर फिनिश खत्म और ये टीम आल हो चुका है इस वक्त चलते हैं हम दूसरी फाइट की तरफ गॉडफादर फादर यहाँ पर सामने है सियालिया को फिनिश कर दिया विजार सुमित ने दादू बोलते हैं यहाँ पर कृषि कृषोपी को कर दिया दादू बोलते हैं कृषि को फिनिश कर दिया और यहाँ पर शुभम तो शुभम की टीम सामने है लेकिन डोरेमान पर यहाँ पर नेट करने की कोशिश है विजार सुमित की लेकिन डोरेमान को नॉक कर दिया बी टी ने और यहाँ पर विजार सुमित को नॉक कर दिया सुमित एस के और शुभम ने मिलकर लेकिन यहाँ पीछे से आ चुके हैं और शुभम ने नॉक कर दिया गॉडफादर को अकेले बचे या बी टी और वन बी की फाइट है तो देखते हैं क्या शुभम वन बी में हरा पाएंगे बी टी को जी बिल्कुल बहुत अच्छा खेलिए यहाँ पर शुभम क्या बचाया हमने अपनी टीम को ऑलरेडी होने से लेकिन यहाँ पर के टी वाइडी रोहित की टीम पर रश हो चुका है तो देखते हैं क्या ये रश बचा पाएंगे संस्कारी बॉय की टीम का और यहाँ पर रावत ने रश करने की कोशिश तो कर रहे और के टी वाइडी रोहित ने उनको नॉक कर दिया भाई बहुत जल्दी लेकिन संस्कारी बॉय भी नौक नॉक पड़े यहाँ पर और ऑर्डर कर दी इन्होंने वो टीम बहुत अच्छा खेल लिया संस्कारी बॉय की टीम यहाँ पर शुभम अकेले बचे हैं तो देखते हैं क्या वन बी फोर कर पाएंगे शुभम सामने टीम लेकिन यहाँ पर किलर सन्नी की है तो देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा खेलते हैं किलर सन्नी भी और यहाँ पर जोकर और ये टीम आती और ख़त्म बहुत अच्छा खेले ये और यहाँ पर गरीब की टीम की फाइट चली है जोन के बाहर साथ में ये जोन लेकिन यहाँ पर दूसरी टीम है अतरीब की और यहाँ पर रेड डेविल ने गरीब को नॉक कर दिया है गरीब को ला दिया गुटनों पर और भाई बहुत तगड़ी फाइट चल रही है एक दूसरे को फर्क करें भाई किसको मार रहा है कौन मार रहा है कैसे मार रहा है लेकिन शायद ऑलरेडी कर दी ने लेकिन नहीं अभी यहाँ एक बचे हैं फादर साहब और ख़त्म बहुत अच्छा खेली है टीम यहाँ पर क्रेजी शुभन की टीम की फ़ाइट चल रही है और यहाँ रोमियो को नॉक कर दिया सचू ने और सौरभ ने अल्कोहलिक को नॉक कर दिया और सचू ने रोमियो को फिनिश कर दिया क्रेजी शुभ ने अल्कोहलिक को फिनिश कर दिया और ऑलडर्ट हो चुकी है टीम सौरभ ने फाइट रोपी को फिनिश कर दिया क्रेजी शुभ ने सचू को फिनिश कर दिया बहुत अच्छा खेलिए टीम 187 एटी सेवन सोल्जर यहाँ जोन के साथ में रुके हुए हैं लेकिन रेड डेविल की टीम सामने खड़ी है तो देखते हैं क्या करते हैं मिस्टर मैक्स क्या रश करेंगे या नहीं और यहाँ पर 187 एटी सेवन किल करोना नीचे आता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा रेड डेविल डैमेज थे और 187 एटी सेवन किल करोना सामने खड़े हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाया रेड डेविल और ऋषभ ओपी भाई बहुत अच्छी फाइट चल रही है यहाँ पर और ऋषभ अपने यहाँ पर रश करने की कोशिश की वन सेवन सोल्जर ने नॉक कर दिया उनको और यहाँ पीछे से आ चुके हैं जोशी वाला क्लर्ज लेकिन यहाँ पर ऑलडर कर दी इन्होंने टीम ये बहुत अच्छा खेलती है रेड डेवल की टीम और यहाँ पर ऑफ सिक्सटीन ने नॉक कर दिया हाक को और यहाँ सामने खड़ा है रियोन किंग और हाक डेविल क्या ये रश सफल कर पाएंगे रियोन किंग देखते हैं रियन किंग बहुत अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर इन्होंने वन बी फोर करा था और यून किंग ने यहाँ पर मिस्टर डेविल को नॉक कर दिया और स्मोक स्मोकर भाई उन पर स्मोक स्मोकर उन्होंने रेड डेविल को नॉक कर दिया अतिथि ने एंड वुल्फ ने मिस्टर मैक्स को और रेड डेविल को फिनिश कर दिया एंड वुल्फ ने लेकिन दोनों टीम्स को जोन में जाना चाहिए जोन के बाहर फाइट लेना है तो जोन में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा इन दोनों टीम्स का और मिस्टर मैक्स जोन के बाहर नॉक आई ठाकुर जोन के बाहर नॉक मिस्टर मैक्स फिनिश अत्री भाई फिनिश और एथिक विफ नॉक एंडेड वुल्फ नॉक आई सी ठाकुर फिनिश एथिक नॉक भाई बहुत सारे बंदे यहाँ पर जोन के बाहर नॉक फिनिश हो चुके हैं और इसलिए कहते हैं जोन के अंदर जाना चाहिए एंडेड वुल्फ नॉक फिन खत्म एथिक खत्म एथिक एक और ख़त्म ऑलरेट हो चुकी है वो टीम और यहाँ पर जोकर ने सुनील राजपूत को नॉक कर दिया दादू बोलते हैं जोकर को नॉक कर दिया बहुत अच्छा खेल लिए सारी टीम सुनील राजपूत को नॉक कर दिया क्या रिवाइव दे पाएंगे एम टू फॉर जॉकर देखते हैं लेकिन यहाँ पर अभी बची हुई हैं छः टीम्स और सोलह बंदे बचे हुए हैं और उन्होंने स्मोक कर दिया सुनील राजपूत को लेकिन संस्कारी बॉय का किल चोरी कर लिया है यहाँ पर किलर सन्नी ने और संस्कारी बॉय ने यहाँ पर गॉडफादर को फिर से नॉक कर दिया भाई इस टीम इस टीम के बहुत सारे किल चोरी हो और यहाँ पर लेजेंड ने इन पर रश कर दिया तो देखते दादू बोलते क्या करते हैं और ये नॉक बहुत अच्छा खेल है यहाँ पर दादू बोलते हैं और लेजेंड की टीम आ चुकी है लेकिन फिर से किल चोरी हो चुका है इनका भाई इनका भी कोई ऐसे ही किल चोरी कर देगा और यहाँ पर गोडल ने वाइपर ने मोली करने की कोशिश करी है गॉडफर जोन के बाहर नॉक हो चुके हैं और संस्कार भी उन्हें रश कर दिया है और गोडल वाइपर नॉक दादू बोलते को फिनिश कर दिया संस्कारी बॉय देखते क्या करते हैं संस्कारी बॉय ने फिनिश कर दिया भाई बहुत अच्छा किल यहाँ पर संस्कारी बोय लेकिन थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी भाई कहा था जैसे इनके किल चोरी हो रहे हैं वैसे इनको भी कोई चोरी कर लेगा और यहाँ पर सही में संस्कारी बॉय को क्रेजी शुभों ने मार दिया लेकिन यहाँ पर हक मितु नॉक पड़े हुए हैं और सिक्सटीन क्या रश करने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लेकिन अभी तीन टीम्स बची हैं इनको जाना तो नहीं चाहिए था गलत कर दिया है, जोन में थे और हाक डैबल को यहाँ पर कर दिया है मिस्टर डैवल ने और ये किंग कवर देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन देखते हैं क्या करता है क्रेजी शुभम और सौरभ भी बचे हुए हैं अभी और हाक डैवल नौकर तो देखते हैं क्या रिवाइव दे पाएंगे ओफ सिक्सटीन वाँग आ चुके हैं रश करने तो देखते हैं इनका सफल हो पाता है यहाँ पर मिस्टर डेबल को क्या नौकर ओह भाई बहुत अच्छा नौकर है यहाँ पर बहुत अच्छा स्प्रे दिया जून किंग ने लेकिन यहाँ पर क्रेजी शुभ ने ऑफ सिक्सटीन को नॉक कर दिया और क्या फिनिश कर पाएंगे जी बिल्कुल एक एच पी बचे हैं छोड़ दे भाई फिनिश हो जाएंगे वो और ख़त्म और लेकिन यहाँ पर अभी टीम्स बची हैं तीन और डुओ डुओ में हर एक बंद हर एक टीम देखते हैं क्या करते हैं लेकिन यहाँ पर क्रेजी क्रेजिश को भाई ड्रॉप दिख चुको भाई गलत ड्रॉप लूटने के चक्कर में अपना ड्रॉप बन जाएगा और सही में बन चुका है यहाँ पर मिस्टर डेविल ने उनको नॉक कर दिया और क्रेजी शिव का यहाँ पर ड्रॉप बन चुका है और सौरभ का बन चुका है यहाँ पर ड्रॉप बस अब लूटने की देरी रह गई है लेकिन यहाँ पर बचे ए आर स्पेशलिस्ट मिस्टर डेविल हॉक डेविल और यून किंग बचे हैं और इनका देखते हैं क्रिकेट कौन लूटता है और यहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है क्योंकि जोन में तो एक भी टीम नहीं है दोनों को जोन में जाना पड़ेगा लेकिन इनको तो जोन में पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उस टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से कोई कवर नहीं है निकलने के लिए अगर गाड़ी है तो गाड़ी में निकल सकते हैं लेकिन अभी जोन आ चुका है उनके घर के उस तरफ से देखते हैं और यहाँ पर यार स्पेशलिस्ट को क्या नॉक नौकरा रही है किंग ने भाई बहुत अच्छा नॉक निकाला है और यहाँ पर अभी इनको निकलना चाहिए था लेकिन ये निकल क्यों नहीं रहे हैं और यहाँ मिस्टर डेविल रिवाइव तो दे रहे हैं उनको निकलना चाहिए इनको क्योंकि वो रिवाइव दे रहे हैं और लेकिन नहीं गए अभी जा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं तो देखते हैं क्या करते हैं हॉक टेबल को पड़ी ओ भाई एक एच भी बच चुके हैं इन्होंने लोड करने की कोशिश करे छः को मारते तो नॉक को हो जाते हॉक टेबल और अभी इनको भी जोन में निकलना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी दोनों टीम्स के लिए हॉक टेबल के पास शायद हेल्थ नहीं है और यह हेल्थ के चक्कर में बस पिट गए भाई क्रेजी शुभम का ड्रॉप लूट लेते हैं और यहाँ पर एयर स्पेशलिस्ट को फिनिश What? मैंने सोचा फिनिश कर दिया लेकिन बहुत अच्छा था क्योंकि मिस्टर डेबल जोन के बाहर रह चुके थे और यह चिकन हो चुका है हाक की टीम के नाम बहुत अच्छा खेला है ये रियन किंग ने वन बी फोर करा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग